उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड जनपद इकाई के तत्वावधान में 7 दिवसीय बेसिक स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन कोर्स का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि जिला मुख्यायुक्त डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने झंडारोहण करके किया। इस मौके पर डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि युवाओं के विकास के लिए यूनिट लीडर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए बेसिक स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन कोर्स आयोजित किया गया है। सभी प्रशिक्षुकगण प्रशिक्षण प्राप्त कर युवाओं एवं देश के विकास के लिए अपना अमूल्य योगदान देंगे। इस अवसर पर जिला कमिश्नर गाइड विनीता, जिला सचिव डॉक्टर अभिषेक कुमार, जिला प्रशिक्षण आयुक्त अजय कुमार सिंह, लीडर ऑफ द कोर्स हीरालाल यादव व किरण देवी सहित इसरत सिद्दीकी, जयप्रकाश मद्देसिया, प्रतिमा शुक्ला, सूरज चंद, ओम प्रकाश उपाध्याय, सत्यानंद शर्मा, सुंदरम शुक्ला, दुर्गावती धूसिया, जूली भारती मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला मुख्यायुक्त डॉक्टर अरुण कुमार सिंह व लीडर ऑफ द कोर्स हीरालाल यादव ने कहा, नीले रंग का प्यादा, प्यादा, हमारा जाने पाए शान इसकी, जाने पाए हमारा ठंडा ऊंचा भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये उत्तर प्रदेश भारतीय स्काउट गाइड जिला संस्था गोरखपुर के तत्वाधान में ये 7 दिवसीय जिला बेसिक कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। आज ये उद्घाटन सत्र है, ये 7 दिन कंटिन्यू चलेगा। इसके माध्यम से जो है बेसिक टीचर्स, इसमें माध्यमिक के भी शिक्षक हैं हमारे और बेसिक के भी शिक्षक हैं, तो प्रत्येक विद्यालय से 2-2 शिक्षक बुलाए गए हैं और ये जो है यहाँ पर शिक्षण प्राप्त करने के बाद से अपने विद्यालय में बच्चों को स्काउटिंग और गाइडिंग का प्रशिक्षण देंगे। इनको इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में पहले तो स्काउटिंग गाइडिंग के मूलभूत जो सिद्धांत हैं, नियम है, प्रतिज्ञा है, इसका मेथड है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका सिस्टम क्या है, फिर हम कैसे बच्चों को ट्रेन करेंगे, इसमें मुख्य रूप से प्राथमिक चिकित्सा है, टेंट पिचिंग है, हाइकिंग है, कुकिंग है, ये सारी जानकारी इनको दी जाएगी क्रम से। और ध्वज का हम सम्मान कैसे करते हैं, दीक्षा संस्कार कैसे करते हैं, गोइंग अप संस्कार कैसे करते हैं, बच्चों को प्रथम सोपान हम कराएंगे तो उनको क्या वेटेज मिलेगा, द्वितीय सोपान कराएंगे तो क्या मिलेगा, तृतीय सोपान कराएंगे तो क्या मिलेगा, राज्य पुरस्कार कराएंगे तो उनको क्या वेटेज मिलेगा, फिर जो बच्चा राज्य पुरस्कार हो जाता है फिर वो राष्ट्रपति पुरस्कार में जाता है, और जो बच्चा राष्ट्रपति पुरस्कार कर लेता है उसको कई सर्विसों में प्रशिक्षणों में 10% का वेटेज मिलता है। सर, कोई क्षेत्र भी आप चिन्हित किए हैं जहाँ जाके इस तरह का अभियान चलाएंगे, टेंट या कहीं एक सीमित जगह? नहीं नहीं, हम जो हाइकिंग करेंगे अभी उसको तय करेंगे कि यहाँ का कोई ऐतिहासिक स्थल होगा वहाँ पर हम ले जाएंगे इनको, बाई फुट ले जाएंगे, बिना बताए ले जाएंगे, ये गोपनीय रहता है। इनको ट्रैक साइन जो हम बताते हैं, खोज के चिन्ह, वो लग जाएगा, उसी को ढूंढते हुए ये उस स्थान पर पहुँचेंगे।